नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। पंचायती राज विभाग में 6000 से अधिक पदों पर आवेदन शुरू। छठे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी, 8 सीटों पर होगा चुनाव। शिक्षा विभाग ने प्रदर्शन में कमजोर स्कूलों के लिए तैयार किया प्लान। IIT पटना ने सूटकेस इन्वर्टर का निर्माण कर रचा इतिहास। मुंबई इंडियंस की टीम ने शाही अंदाज में मनाया रोहित शर्मा का जन्मदिन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायती राज विभाग में 6000 से अधिक पदों पर आवेदन शुरू। पंचायती राज विभाग में 6000 से अधिक पदों पर आज से आवेदन शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की वेबसाइट state.bihar.gov.in bihar.pid के जरिए ये बहाली ली जाएगी। इसकी उम्र सीमा में छूट दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया 29 मई तक चलेगी। अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के 6,570 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1,643 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 657 पद है। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए 2300 पद आरक्षित है। सामान्य श्रेणी के 45 आयु तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग के लिए उम्र सीमा 48 साल निर्धारित की गई है। छठे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी, 8 सीटों पर होगा चुनाव। बिहार में छठे चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन पूर्वी चंपारण से भाजपा के प्रत्याशी राधा मोहन सिंह, शिवहर से जदयू उम्मीदवार लवली आनंद और वैशाली से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार वीना देवी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। छठे चरण में नामांकन की अंतिम तिथि 6 मई है। वहीं 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मई तक नामांकन पत्रों के नाम की वापसी की तिथि निर्धारित है। आपको बता दें कि 25 मई को छठे चरण में 8 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज की लोकसभा सीट शामिल है। ईंट भट्टों पर काम करने वाले बच्चों को शिक्षित करने की तैयारी। ईंट भट्टों पर काम करने वाले बच्चों को शिक्षित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस काम के लिए श्रम संसाधन विभाग और शिक्षा विभाग के अलावा समाज कल्याण विभाग और ईंट भट्टा के संचालकों की सहायता ली जाएगी। मालूम हो कि ईंट भट्टे में बच्चे अपने माता पिता की सहायता करने के लिए काम करते हैं। इस कारण बच्चों का पठन पाठन का कार्य नहीं हो पाता है। इसके लिए सरकार की ओर से कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा शैक्षणिक केंद्र पर 2 शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ ही पढ़ाई की सामग्री की भी व्यवस्था होगी। पटना से उज्जैन और सहरसा से नई दिल्ली के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। पटना से उज्जैन के लिए 1 मई से स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गया आनंद विहार सुपर स्पेशल ट्रेन आज शाम 6 बजे खुलकर सासाराम, DDU, प्रयागराज, कानपुर के रास्ते अगले दिन सुबह 9:15 पर आनंद विहार पहुंचेगी। सहरसा नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल आज सहरसा से 7 बजे खुलकर बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोरखपुर के रास्ते अगले दिन 7 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। भागलपुर दाहोद स्पेशल ट्रेन 1 मई को भागलपुर से शाम में 7 बजे खुलकर 9:36 पर पटना जंक्शन रुकते हुए DDU प्रयागराज, कानपुर, बीना, उज्जैन के रास्ते 3 मई को 2:30 बजे दाहोद पहुंचेगी। भागलपुर हादसे पर CM नीतीश कुमार दुखी, घायलों के इलाज के लिए दिए आदेश। भागलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर NH 80 पर एक हाईवा बाराती गाड़ी पलट गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी है। ये लोग बारात में जा रहे थे। CM नीतीश कुमार ने भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली जाने पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और इसके साथ ही CM नीतीश कुमार ने घटना में घायल लोगों के समुचित इलाज का आदेश दिया है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मालूम हो कि घायलों का मायागंज अस्पताल भागलपुर में इलाज चल रहा है। शिक्षा विभाग ने प्रदर्शन में कमजोर बच्चों के लिए तैयार किया प्लान। बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लाने को लेकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा में बदलाव के लिए कई तरह के फैसले भी लिए जा रहे हैं। पढ़ाई में कमजोर स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग की टीम की ओर से स्कूलों के प्रदर्शन पर निगरानी रखी जा रही है। कमजोर प्रदर्शन करने वाले स्कूलों पर सुधार लाने पर पूरा फोकस किया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्लान तैयार किया गया और जुलाई में इस कार्यक्रम पर अमल किया जाएगा। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की मजबूती पर पूरा फोकस रहेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर विभाग के द्वारा किए गए कार्यों पर आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अमीर बनने के झांसे में लोगों ने गवाए लाखों रुपए।
बिहार की राजधानी पटना में लोगों ने अमीर बनने के झांसे में लाखों रुपए गवा दिए हैं। शेयर मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग के जरिए जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाकर 9 लोगों से 45 लाख रुपए की ठगी हुई है। इस मामले में साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटे हुए साइबर शातिर लोगों को सोशल मीडिया और फोन व मैसेज के जरिए संपर्क करते हैं। अलग अलग मामलों में साइबर अपराधी ने सोशल मीडिया पर लिंक शेयर कर या व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को जोड़कर अपना निशाना बनाया है। लोगों से नौकरी के नाम पर या जेल का डर दिखाकर भी ठगी हुई है। ऐसे मामलों के सामने आने के बाद पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। IIT पटना ने सूटकेस इन्वर्टर का निर्माण कर रचा इतिहास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT पटना ने एक सूटकेस इन्वर्टर का निर्माण कर इतिहास रच दिया है। इस इन्वर्टर को पेटेंट मिल चुका है। IIT पटना इनक्यूबेशन सेंटर में इसे 23 मई को लॉन्च किया जाएगा। देश में अपनी तरह का विकसित किया हुआ ये पहला इन्वर्टर है। ये अगले महीने से लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। लिथियम आयन बैटरी इंटीग्रेटेड इन्वर्टर के लॉन्च हो जाने के बाद लोगों को काफी आसानी होगी। आपको बता दें कि ये इन्वर्टर मानस 19 डिग्री पर भी काम करेगा। इस इन्वर्टर में लोगों को 6 साल की वारंटी मिलेगी। हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं पर हाईकोर्ट सख्त। राजधानी पटना के दिघा स्थित हाउसिंग बोर्ड के अधिग्रहित जमीन पर स्थानीय भू माफिया द्वारा जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण के मामले में हाईकोर्ट सख्त है। जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले में सुनवाई की। साथ ही पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक हाउसिंग बोर्ड के प्रबंध निदेशक और सहायक अभियंता को हलफनामा दायर कर मामले की स्थिति को स्पष्ट करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई 2024 को होगी। UGC नेट की परीक्षा तारीखों में हुआ बदलाव। UGC नेट की परीक्षा तारीखों में बदलाव किया गया है। ऐसा UPSC प्रीलिम्स के एग्जाम की तारीखों में टकराव होने की वजह से किया गया है। अब UGC नेट की परीक्षा 28 जून को ली जाएगी। पहले परीक्षा की निर्धारित तिथि 16 जून थी। इसी दिन UPSC सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा होनी है। इस कारण दोनों परीक्षा की तिथि में टकराव हो गया और अब UGC नेट के एग्जाम डेट में बदलाव हुआ। मालूम हो कि UGC नेट के जरिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 10 मई तक परीक्षार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह परीक्षा इस बार ऑफलाइन मोड में ली जाएगी। महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में तेजस्वी यादव की आज 7 रैलियां। लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में आज बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ 7 रैलियां हैं। इन रैलियों के जरिए महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट अपील करेंगे। आज तेजस्वी यादव की सुपौल, सीतामढ़ी, मधेपुरा, खगड़िया, सीवान समेत कई जिलों में रैलियां निर्धारित है। मालूम हो कि 7 मई को बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग है। इसके लिए प्रचार प्रसार जारी है। वहीं 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारी जारी है। तीसरे चरण के प्रचार के लिए सीएम नीतीश कुमार की आज 3 रैलियां। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारी जारी है। इसी कड़ी में इसके प्रचार प्रसार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज 3 रैलियां निर्धारित है। इन रैलियों के जरिए एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट अपील करेंगे। साथ ही आज सीएम नीतीश कुमार का 2 रोड शो भी निर्धारित है। सीएम नीतीश कुमार तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मधेपुरा, झंझारपुर, सुपौल, अररिया और खगड़िया में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तीसरे चरण में 7 मई को लोकसभा का चुनाव होगा। 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में मधेपुरा, झंझारपुर और सुपौल में जदयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर बोला हमला। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर हमला बोला है। दरअसल झंझारपुर की रैली में अमित शाह ने कहा था कि लालटेन का युग खत्म हो चुका है। इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और कहा कि मोदी युग अब खत्म हो चुका है। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये लोकतंत्र है और इसमें हर किसी को बोलने का अधिकार है। लालू परिवार सिर्फ अपने लिए जीता है। इधर विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव अपनी बातों से सिर्फ हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य की संपत्ति की जानकारी आई सामने। लालू यादव की बेटी और सारण से लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। उनके पति के पास भी 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। रोहिणी आचार्य के पति ने कर्ज भी ले रखा है। उन्होंने बैंक से लोन लिया है। वहीं रोहिणी आचार्य कर्जदार नहीं है। रोहिणी आचार्य के पास नगद 20 लाख रुपए है जबकि पति समरेश सिंह के पास 10 लाख रुपए है। रोहिणी आचार्य के पास 2,99,55,925 रुपए की कुल संपत्ति है। आपको बता दें कि उनके पति के पास 6,92,40,438 रुपए है। रोहिणी आचार्य ने अपनी संपत्ति का स्रोत किराए की आमदनी बताया है। मुंबई इंडियंस की टीम ने शाही अंदाज में मनाया रोहित शर्मा का जन्मदिन।
भारतीय टीम के कप्तान और मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज रोहित शर्मा आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिग्गज बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। आईपीएल 2024 के मुंबई इंडियंस की टीम ने बड़े ही अनोखे अंदाज में रोहित शर्मा का जन्मदिन मनाया है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में रोहित शर्मा को राजा की तरह दिखाया गया है। इसमें एक प्लेबैक सॉन्ग भी बज रहा है। इसका नाम सलाम रोहित भाई है। इस वीडियो में रोहित शर्मा का दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विनोद महात्मा, दीपक कुमार, राजेश मांझी, सदुल्ला पालवी, राकेश मिश्रा, रवि कुमार राम, प्रदीप कुमार, धीरज कुमार शर्मा, नंद कुमार सिंह, नौशाद राजा, उमेश ऋषिदेव, मुकेश राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार सड़क हादसे से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।